लेकिन जिस मंदिर पर हम बात कर रहे हैं यह 2 साल पहले तैयार हुआ है। इसलिए हम कलकत्ता का इंजीनियर और ठेकेदार था जो आज से 2-3 साल पहले तो 5 करोड़ था, अभी इसका जो अनुमान लगाया जाए 5 करोड़ हम लोगों को लगाया है इसमें चंदा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं हूं नीरज राय, आप देख रहे हैं नीरज राय ब्लॉग। और आज मैं बिहार के खगड़िया जिले में और ये पसराहा का महदीपुर है, यहाँ पर जो है एक दुर्गा मंदिर है जो कि काफ़ी जो है भव्य और सुंदरता का जो है यहाँ पर एक अद्भुत नमूना देखने को मिलता है। इस महदीपुर दुर्गा मंदिर में चैती दुर्गा का जो है आयोजन किया जाता है, जो कि अभी नववर्ष चैत का जो महीना चल रहा है उसमें इस मंदिर का जो है दर्शन करेंगे। देखते हैं, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये महदीपुर दुर्गा मंदिर का है, जो कि काफ़ी विशाल और भव्य मंदिर जो है इस खगड़िया जिले का यह माना जाता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग अंदर चल के देखते हैं इस भव्य मंदिर के अंदर का दृश्य किस प्रकार से है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो इस मंदिर के गेट के सामने में हैं और अंदर चल के देखते हैं यहाँ के अंदर का दृश्य किस प्रकार से है। लोग अंदर मंदिर के तरफ चल रहे हैं और यहाँ का जो दृश्य है वो अंदर का काफ़ी भव्य देखने को मिलता है। ये मंदिर के चारों तरफ का जो दृश्य है वो इस प्रकार से है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मंदिर में आए हुए श्रद्धालुओं को आप देख सकते हैं, काफ़ी भीड़ जो है इस मंदिर में देखने को मिलता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये यहाँ से दुर्गा मूर्ति को। तो फ्रेंड्स, यहाँ के मंदिर को बनाने में जो कलाकारी का प्रदर्शन किया गया है वो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं इस पिलर को और इसमें बने हुए जो ये गढ़ा हुआ कलाकारी आप देख सकते हैं, ये पूरे छत में जो है इस प्रकार से किया गया है और काफ़ी सुंदर डिज़ाइन जो है इस मंदिर में इस छत में दिया गया है। काफ़ी भव्य जो है इस छत का यह दृश्य है, यह देख सकते हैं आप ये गुंबद नुमा जो दृश्य है, काफ़ी जो है सजावट के साथ इस मंदिर के छत का यहाँ पर देखने को मिलता है। काफ़ी भव्य सजावट इस मंदिर का आप देख सकते हैं और इस मंदिर के कलाकारी को जो है आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार से जो है इस मंदिर को सजा करके जो है इसमें कला का प्रदर्शन किया गया है। पूरे मंदिर में जो है इस भव्यता को आप देख सकते हैं, ये कोने कोने में जो है ये मंदिर का मंदिर के अंदर में जो है कलाकारी का दृश्य देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं इसमें मंदिर का हर एक कोना जो है इन कलाकारी से जो है भरा हुआ है। काफ़ी भव्य जो है इस मंदिर का यह दृश्य है, आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं का जो है काफ़ी भीड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आए हुए श्रद्धालु जो पूजा पाठ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं और आप यहाँ अंदर के दृश्य को देख सकते हैं, यहाँ को आप देख सकते हैं ये प्रकार से यहाँ पर माता का जो है मूर्ति लगा हुआ है और मंदिर का जो यह गर्भगृह है उसका दृश्य भी अंदर का आप देख सकते हैं।
काफ़ी सुंदर जो है भव्य सजावट के साथ जो है यहाँ पर घर मूर्ति का आप दृश्य देख सकते हैं। ये काफ़ी जो है भव्य नज़ारा जो है इस मंदिर के अंदर का यहाँ देखने को मिलता है। भव्य नज़ारा जो है आप इस मंदिर का यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही विशाल और भव्य जो है इस मंदिर का यह दृश्य है। मंदिर के ऊपर वाले हिस्से में आप देख सकते हैं सारे दुर्गा का जो है ये मूर्ति फोटो लगा हुआ है। ये इसमें आप पूरा देख सकते हैं किस प्रकार से जो है सारे देवी का जो है यहाँ पर मूर्ति ऊपर पर लगा हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों देवता जो है ब्रह्मा विष्णु महेश उनका मूर्ति इधर लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ के कमेटी के सदस्य हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे इस मंदिर के बारे में। जी सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद सिंह। जी सर, मैं महदीपुर ग्रामवासी हूँ। इस मंदिर या मेला कमेटी जो है मंदिर जो है जी, इसका मैं सचिव हूँ और बहुत पुराने से हूँ, बहुत दिन से जी, आज से 25-30 साल पहले से मैं इसका सचिव हूँ। लेकिन यह मंदिर का पहले से पुराना मंदिर है जो कि 100 वर्ष का आ जाए मंदिर को। लेकिन जिस मंदिर पर हम बात कर रहे हैं यह 2 साल पहले तैयार हुआ है और इसको तैयार करने के लिए हम लोगों ने ग्रामीणों ने अपने चंदा से या ग्रामीण चंदा से इसको बनाए हैं और इसको बनाने के लिए हम कलकत्ता का इंजीनियर और ठेकेदार था जो कि वो बनाया। हम लोगों ने चंदा करके पैसा दिया, उन्होंने खट-खट के इतना सुंदर मंदिर बनाया जो आज काफ़ी सुंदर बनाया। दूर दूर तक के लोग आते हैं और हम क्या कहें, बिहार कौन पूछे, दिल्ली में रहने वाले भी मौका लग जाता आते हैं, कहते वाह आपका मंदिर बेजोड़ है। छोटा मंदिर है लेकिन इसकी सुंदरता कहीं नहीं जाती है। इसका नकाश सिर्फ दक्षिणी भारत के तरफ जैसे मंदिर बनता है वैसा है, इधर बिहार में तो है ही नहीं। इतना बर्पण करता है, हम ग्रामवासियों को इसकी बहुत खुशी होती है। कम से कम हम लोगों ने जितना परिश्रम करके मंदिर बनाया यह हम लोगों का आज नाम मंदिर लग करके पूरे बिहार में तो निश्चित है और दूर दूर के लोग जहाँ भी जानते हैं दूसरे प्रदेश के भी लोग इसको जानने लगे हैं। आज यह दुर्गा माँ के चलते हम महदीपुर का नाम बहुत आगे बढ़ा है। तो ये जो इतना भव्यता वाला मंदिर है सर आपका, तो इसमें लगभग कितना खर्च आप किए हैं सर? आज से 2-3 साल पहले तो 5 करोड़ था, अभी इसका जो अनुमान लगाया जाए 5 करोड़ हम लोगों को लगाया है इसमें चंदा। लगभग 5 करोड़? 5 करोड़ हाँ, अभी बहुत कम बाकी है। गेट सामने में गेट आप सर देख लीजिए, सामने में गेट बन रहा है उसकी भव्यता देख लीजिए, उसमें क्या लागत हो सकता है एक गेट का, और नीचे का अभी तो बहुत कम बाकी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने इस मंदिर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये मंदिर के बाहर से दृश्य है और बाहर से भी जो है इस मंदिर में देख सकते हैं आप काफ़ी जो है कला का जो है इसमें प्रदर्शन किया गया है। काफ़ी कलाकारी के साथ जो है इस मंदिर के आप ऊपर वाले हिस्से को भी देख सकते हैं, इस प्रकार से जो है ये 3 मठ जो है ऊपर पर और उसमें गढ़े हुए कलाकारी को आप देख सकते हैं। तो जो है विशाल भव्यता का जो है एक समाहित रूप जो है इस मंदिर में देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हैं इस मंदिर के चारों तरफ का कैंपस जो है इस प्रकार से है और अभी जो चैत का मेला चल रहा है उसमें आप देख सकते हैं ये चारों तरफ जो है दुकान जो है लगा हुआ है। और ये यहाँ पर जो आप मंच देख रहे हैं ये यहाँ का जो है मंच है और इसमें जो है तरह तरह के कार्यक्रम का जो है आयोजन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था खगड़िया के महदीपुर का दुर्गा मंदिर जो कि काफ़ी भव्य और सुंदरता का जो है यहाँ पर एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।